<applause> اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وبإصلاحهم لي وبإمتالي بهم إلهي امضد لي عمارهم وزد لي في عجولهم ورب لي صغيرهم وقبل زعيم صح لي أبداؤنهم وأخلاقهم وعافه في أنفسهم وفي جهورهم وفي كل <سؤال> ما عنيت به من أمرهم وأدر لي وعلى يدي أرزاقهم وجعلهم أبرارا أَوْ سَرَّاءَ سامعين مطيعين سامعين مطيعين لك ولأوليائك محبين مناصحين ولجميع أعدائك معاندين اللهم اشدد بهم عزدي واقم بهم أودي واقم بهم اوهادي وكثر بهم عددي وزين بهم وحظري واحي بهم ذكري واكفني بهم في غيبتي واعني بهم على حاجتي واجعلهم لي محبين وعلي حدبين مقبلين مستقيمين مستقيمين لي غير عاصين ولا

हदीय सलाम पेश करता हूँ अल्लाह सुबहन वस बारिगा में इल्तजा है कि वह हमारे इलाम को अपनी इबादत में शुमार फरमाए और हमारी आकेबत बखैर फरमाए शब जुमा है शब दुआ है और शब मत है अपनी मखफरत तलब करें अल्लाह की रहमत वास्या का वास देते हुए तवसल इख्तियार करते हुए कि अल्लाह हम सब को अपनी रहमत वासी में शामिल फ़रमाए और अल्लाह सुबहान वाली हम सब के मरहूमिन को मगफरत वास नसीब फरमाए और ज़ाहिर के शब जुमा शब दुआ है और शब मत है, है अपने अपने मरहूमिन को याद करने की शब है शब जुमा मरहूमिन आते हैं और आके सवाली बन के आ जाते हैं कोई उन्हें अता करने वाला है उनके बच्चे उनके भाई उनके अज़ीज़ उनके अारब उनके दोस्त उनके अहबाब उनके लवाहिकीन सबसे ये कहते हैं कि हमारे पास भी ये सारी दौलत थी हमारे पास भी भी सारे इसबाब वसायल थे हम भी यहाँ दुनिया में ज़िंदगी गुजारा करते थे लेकिन अब वो सारे इसबाब और वसायल हमसे कट चुके हैं कोई है जो हमारी मदद करे मदद करें अपने मरहूमिन की एक सलवात सारे पढ़ें जहाँ जहाँ भी भी प्रोग्राम देख रहे हैं अपने अपने मरहुमिन के लिए कि हम दुआ का आगाज़ करें सल महमद मुहम्मद हमारी गुफ्तगु हो रही थी पच्चीसवीं दुआ है इमाम सज्जाद की कि आपने औलाद के हक़ में ये दुआ हमें तालीम फरमाई है हमें तल्कि दी है और हमारी तरबियत फरमाई है और गुफ्तु हमारी यहाँ तक जो है ना वो पहुँची है कि बच्चों की जो तरबियत है उसके तरबियत के कुछ कोड्स हैं उस सिलसिले में जो गुफ्तु हमारी आके रुक गई थी माह मुबारक रमज़ान से पहले जाहिर है कि माह मुबारक रमज़ान में ए पी जी का जो सिलसिला नॉर्मल होता है वो मतल हो जाता है उसकी जगह जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं उनको जागुजें कर दिया जाता है तो माह मुबारक रमज़ान के बाद ये पहला प्रोग्राम है लिहाजा मैं आपकी ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारी जो गुफ्तु आदाब तरबियत के सिलसिले में हो रही थी कि तरबियत औलाद की रिश्ते अजवा इससे शुरू हो जाए रिश्ते जोजियत से शुरू होती है कि इंसान जो पार्टनर है उसका सही मानों में इंतखब करे चूँकि जीन्स के जो असरत हैं ये औलाद के ऊपर ज़ाहिर होते हैं और इंसान अपनी विरासत को हासिल करता है इनहेरिटेंस फ़क्त जो है ना वो माली एतबार के साथ नहीं होती है बल्कि इनहेरिटेंस का ताल्लुक इंसान की औसाफ के साथ भी है एट्रीब्यूट्स के साथ भी है खसलात के साथ भी है और इंसान की आदत के साथ भी है वो सारी जो है ना वो ट्रांसफ़र होती हैं अगली नसल में अगली जीन्स के अंदर तो इस वजह से चाहिए कि अच्छा ऐसे फ़र्द का इंतब किया जाए कि दो दीन रखने वाला हो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास माल कितना है उसके पास जो है ना वो कमा उसके पास जो है ना वो जमाल कितना है दोनों चीजों की इस्लाम ने नफी कर दी है कि तुम शादी के सिलसिले में ना तुमने माल को देखना है ना तुमने जमाल को देखना है बल्कि तुमने सीरत किरदार को देखते हुए शादी करनी है फिर उसके बाद जो सिलसिला है आपकी जब औलाद हो जाती है औलाद के कुछ जो है ना फराइज शुरू हो जाते हैं फराइज जब शुरू होते हैं जाहिर है उन फराइज में यह है कि बच्चों के साथ आपकी जो है ना डीलिंग कैसी होनी चाहिए उनके साथ गुफ्तगु कैसे होनी चाहिए उनके साथ आपकी आदत कैसी होनी चाहिए उनके साथ आपकी रफ्तार कैसी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें तो यहाँ तक हमारी बात आके रुक गई थी कि बच्चों के सिलसिले में आपने अगर कोई वादा किया है तो उस वादे को आप पूरा करें या तो वादा नहीं करें अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो यू हैव टू तो फिलफिल योर प्रॉमिस इस तरह नहीं है कि आप वादा कर दें कि मैं कल आपके लिए ये चीज़ खरीद के लाऊंगा और आप नहीं लाएंगे तो ये झूठ हो जाएगा और इस पे बच्चों की नफसियात के ऊपर उनकी साइकी के ऊपर इसका जो है ना वो अच्छा असर नहीं पड़ता है इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी रियल रिफ्लेक्शन जो है ना वो नेगेटिव होगी पॉजिटिव नहीं होगी आपके बारे में लिहाजा ये फरमाया गया है कि चूँकि वादा वफ़ाई का ताल्लुक़ फितरियात से है यानी इंसान ज़ाती तौर तो पर जब वादा करता है तो चाहता है कि उस वादे को जानो वफ़ा करे लेकिन इंसान की ख्वाहिशात या और कुछ मुश्किल पेश आ जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ तो ये होता है कि वो वादा क्या है कि जो वफा हो गया आपने देखा जब वोटिंग आती है तो आओ बिजली डाल रहे हैं ये है ये रोड बन रहा हो जो ही वोटें खाती हैं तो उस बजरी को उठा के जो वो ले चले जाते हैं अजीब है यानी अजीब गरीब किस्म की जो है है हमारे यहाँ यानी वादा किया और वादे का पास न करना ये बहुत बड़ा जुर्म है बहुत सारी जो तरक्की का इंसान का राज है वो इसी से ख़त्म हो जाता है जो शख्स वादा वफाई नहीं करता है और उसकी इंसान की हैसियत और इंसान का शरफ वो ख़त्म हो जाता है फर्ज़ किया अगर मुझसे कोई वादा जब फलां जगह दर्ज है और मैं उस पर जो है ना हूँ लोग कहेंगे कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसका कोई वक़ार नहीं कोई शरफ नहीं है। हाँ जी फलां जगह वादा दे दिया हाँ जी मजलिस पढ़नी है हमने और उसके बाद जो है वो नहीं, नहीं जहाँ नहीं, नहीं मैं मैं नहीं पढ़ूँगा क्या है लोग नफकत यह समझ लोग ये समझते हैं शायद वहाँ किसी दूसरी जगह कुछ अच्छा खासा जो है ना वो हो गया है क्रेडिबिलिटी इंसान की ख़त्म हो जाती है एक बिजनेस मैन है किसी से वादा करता है कि फलां जगह हमारी मीटिंग है और नहीं जाता है और नहीं बताता है उसका बिजनेस भी जो है ना वो नहीं चल सकता इस वजह से कि हर चीज़ जो है ना वो क्रेडिबिलिटी के साथ है ट्रस्ट के साथ जो है ना वो चलती है बच्चों के साथ जब आप वादा करेंगे वालदे अगर बच्चों के साथ वादा करें और वादा वफाई ना करें तो जो क्रेडिबिलिटी वालदेन की है वो ख़त्म हो जाती है बच्चों की निगाह में जो समय जब बड़ा जो है जरूरी होता है बड़ा जरूरी होता है हमारे तो यहाँ बच्चे बाजू का जो है ना वो करते थे आप वादा करते हैं। मैंने कहा मैं वादा नहीं करता वादा नहीं करता जब वादा किया तो वादा उसको पूरा किया ऐसा नहीं हुआ वादे की जो वफा है दैट इज़ वेरी इंपोर्ट

फिर क्या है वर हम और उन पर उनके साथ मेहरबानी के साथ जो है ना पेश आए बच्चों के साथ और उस फरमाए कि जब तुम उनसे वादा करो तो डेफिनेट उस वादे को पूरा करो लाजमी तौर पर उस वादे को पूरा करो इसलिए कि बच्चे अल्लाह सु के बाद तुम्हें राजक समझते हैं इस वजह से जो है उनके साथ जो वादा किया है वादा यू हैव टू फुलफिल द प्रॉमिस फुलफिल द प्रॉमिस अपना जो कॉवेनेंट किया है उसको जो है ना वो फुलफिल करें उसको कॉवेनेंट को हजरत अमीर उलमोबिन अली अबिन अबी तालिबलाम फरमाते हैं कि ला यसलाहुल किज़्ब फरमाते हैं किसी सूरत में झूठ जो है ना वो जायज़ हैं वाला हज़ल हो किसी सूरत में भी जो है ना वो झूठ जायज़ नहीं है और ना ही मजाक बनाना जो है ना वो जायज़ है जो बच्चों के साथ मजाक करें हाँ हाँ अंकल जो है वो हम तुम्हारे लिए ये ख़रीद के लाएंगे के। मजाक के तौर पर भी उनके साथ जाना उनके साथ जॉक नहीं करें उनके साथ जो है ना वो इस, इस तरह की जो है वो मजाक ना उड़ाएं उनका ये और ये बिल्कुल शायस्त नहीं है कि अगर कोई किसी बच्चे से वादा करे और उसे पूरा ना करे भाई बिल्कुल यह बहुत गलत बात है ये इस तरह करें, क्योंकि बच्चे उस पर इंतजार में रहते हैं इंतज़ार में रहते हैं हाँ जी हमारे माशाल्लाह जनाब वाले साहब आएंगे, हमारे डैडी आएंगे हमारे बाबा आएंगे और आकर जो है ना वो चीज़ लेके आ जाएंगे और आए आप दस्त खाली ठीक नहीं वादा को ने बच्चों की फितरत में रख दिया है दैट इज़ देर नेचर उनकी जो है ना वो नेचर में जाए। और उन बेहतरीन जो तरबियती असूल हैं उनमें से एक ये है कि जब आप वादा करें तो वादे को पूरा करें और जब वालदे ऐतचिक नहीं करेंगे और वादे को पूरा नहीं करेंगे तो फिर कल वो भी वादे की कोई अहमियत नहीं रखते उनके नजीक भी वादे की कोई जो है ना वो दे ठीक है इतनी अगर अहमियत होती तो हमारे वालदेन उसकी अहमियत के का कायल होते इसका मतलब यह, नहीं यह है कि वादे की कोई ख़ास जो है ना वो अहमियत नहीं क्योंकि पहला मदरसा जिसको कहा जाए इनिशियल जो स्टेज है लर्निंग की और एजुकेशन की वो घर होती है घर की चारदीवारी हुआ करती है और वालदेन जो है ना वो अगर इस तरह अखलाकियात की कमज़ोरी का मुजाहरा करेंगे तो उसका जो है ना वो असर ये होगा कि बच्चे उसको समझेंगे कि एक किस्म की धोखा दही होती है धोखा है किस्म की साजिश जो है ना हमारे साथ जो है न, की जा रही है चूंकि बच्चा जो है ना वो एक किस्म का जिस तरह फोटोग्राफ़र होता है ना इस तरह जो है ना वो उसकी होती है वो देख रहा होता है और वो फ़ोटो ले रहा होता है ऑब्ज़र्व कर रहा होता है एक किस्म की जिस तरह फिल्म बरदार होता है फिल्म बनाने वाले होते हैं इस तरह की जो है ना घर के अंदर उसकी सिचुएशन होती है वो देख रहा होता है हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है हर चीज़ को जेन नशीन कर रहा होता है हर चीज़ की जो है ना हर चीज़ को उसकी अक्स बर्दारी उसका फ़ोटो जो है ना वो ले रहा होता है इस वजह से और उसके बहुत माइंड और उसका जहन जो है ना बड़ा तेज़ी के साथ जो है ना वो चलता है अभी मिनटों मिनटों में कभी वो इंजीनियर बनता है कभी फोटोग्राफ़र होता है कभी जो है ना वो क्या से क्या जो है ना वो वो कर रहा होता है आप समझते हैं चूँकि जिनको तरबियती असूल का या बच्चे की नेचर से वाकिफ़ नहीं होते हैं वो नहीं समझते हैं कि अभी यह क्या बच्चे का कोई काम बगैर उस मसलहत के नहीं होता है ये बात जो है ना आप याद रखें हर काम में उसके एक पीछे माइंड के पीछे एक सेटअप होता है कि जिसके तहत जो है ना वो काम कर रहा होता है वालदेन की हर चीज को वो जो है ना वो माइंड करता है हर चीज को जो है ना वो देखता है बच्चा हर चीज जो है ना उसकी निगाह में होती है अतः बचपन की चीज़ें मैं अगर अभी आपको कहूं कि बचपन की पाँच छह साल में वो जो चीज़ें आपने देखी हैं वो चीज़ें आप भी आपको याद हैं कोई आपको गु़स्से हुआ है तो वो चीज़ भी आपको याद है कोई चीज़ जो है ना इसने आपको प्यार मोहब्बत से बात की है वो चीज़ भी आपको याद है किसी ने आपके जो है ना वो फर्ज किया कि नौज किसी ने थप्पड़ लगा दिया, वो थप्पड़ भी आपको याद है वो जिस अंदाज के साथ वो गुस्से हुआ वो गुस्सा भी जो है ना आपको याद है उस्ताद का भी याद रहता है वालदान का भी याद रहता है वालदान के जो है ना माहौल का भी जो है ना सिलसिला आज तक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जिस जिसने आपको प्यार दिया है मोहब्बत की है आज भी आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं बचपन से लेकर आज तक उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो है ना वो नेचुरल प्रोसेस है दैट इज़ द नेचुरल फिटाम इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ताकीद की गई चूंकि उसकी तारीख़ का जो है ना सा बच्चे की वालदेन की बातें उस्ताद की बातें बच्चे की तारीख का हिस्सा हुआ करती हैं वो मिटती नहीं है वो जो है ना वो क्या कहते हैं कि का नक्श अल हजर जिस तरह जो है ना वो किया, किया जाता है पत्थर के ऊपर उस तरह जो है ना वो हो जाती है सूरत हाल तो इसी वजह से अगर आप देखें बहुत ज़्यादा जो बनो वो यानी ने दुश्मनी की है जिसमें हम आप यह सर फहरिस्त हैं उतने में यही किए बच्चों के ऊपर जो है ना वो काम किया यहाँ पर मैं अगर कुछ चीज़ें आपको हक कर बताना शुरू करूँ कि ये जितनी आपको कार्टून की सीरीज़ जो है ना वो मिलेंगी बड़ी बड़ी जिसको बच्चे बड़े शौक़ से देखते हैं और उसके पीछे जो है ना एक थाट्स होती है एक लॉबी होती है एक लॉबिंग होती है वो आपको कहाँ से कहाँ से पता चल आपको पता है कि सारे कहाँ बनते हैं ये ये जितने कार्टून बनते हैं ये सारे कार्टून कहाँ पे बनते हैं आप समझते हैं कि ये जवानों के ऊपर काम हो रहा है बच्चों के ऊपर नहीं हो रहा है नहीं ऐसी बात नहीं है अगर कोई सोचता है तो बहुत मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी में है उसको ख़बर ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है फिर इसका मतलब ये नहीं आप कोई भी लगाएं कार्टून उसके बाद जो है वो देखें इस वजह से कि बच्चे को इंतहा एक्सपर्ट किस्म के जो है ना होते हैं कि बच्चे की साइकिल को किस तरह में तब्दील करना है हमारे पास तो इतने फाइनेंस ही नहीं है कि मैं जो है ना इस इसको जो है ना मुश्किल मेरे पास अगर फाइनेंस इतना होता तो मैं एक फ़कत चैनल जो है ना बच्चों के लिए बनाता हूँ फ़कत और फ़कत बच्चों के लिए हमारे पास तो नहीं है हमारे पास जाहिर है कि इसको जो है ना कैटरिंग कर रहे हैं हम जो इसको इन जनरल जो प्रोग्राम्स हैं उसके सिलसिले लेकिन हकीकत बात यह है जितना इस वक्त जो है ना बच्चों के ऊपर उनकी जहनीयत को बिगाड़ने के लिए और उन्हें जो है वो दीन और तदयों से दूर करने के लिए काम हो रहा है आप सोच नहीं सकते हैं हर जमाने की हुकूमतों ने कोशिश की है कि अहल बैत के जो चाहने वाले हैं उनके बच्चों को दूसरी तरह क्या किया जाए डिरेल कर दिया जाए अहल बैत के खिलाफ जो नाम आपने मावी जब देखा कि जब उसने हमारे आज से पूछा कि हम अली अपने अभी तालब के कैसे मुकाबला करेंगे कहा कि इट्स वेरी इजी, इट सो इजी। क्या क्या इजी है आप जो है ना वो इस तरह करें कि लोगों को जो है ना वो जाहिल कर दें अली अपने अभी तलेब का मुकाबला हो जाएगा लोगों में इल्म नहीं आने दें इस तरह दुश्मनियों में से इस तरह दुश्मनी थी इस तरह दुश्मनी थी यू कांट इवन इमेजिन कि बच्चे गालियां देते हैं नाम जो है ना अली अबिन अबी तालिब का लेते हैं कैन यू इमेजिन इट ये उमर बिन अब्दुल अजीज के उस्ताद ने जब इसको घूर के देखा कि वट यू डूइंग खेल खेल में जो है ना वो गालियां दे रहे हो इस तरह बोगज़ रचाया गया इस तरह बोझ बच्चों के नाम कोई नहीं रखता था अली अब अभी तालिब का नाम ही नहीं रखता था बच्चे हती कि वो जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जाते थे जो गवर्नमेंट के इदारे होते थे उसमें जाना जा कर कहते थे कि हमारे वालदेन ने बड़ी गलती की उनको पता ही नहीं था उन्होंने हमारा नाम अली रख दिया है अच्छा 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 चलो जी नाम तब्दील नाम भी तब्दील करते थे उसके बाद शोर भी देते थे पैसे भी देते थे उसको जो है ना वो हो सकता था तो उसको नौकरी भी देते थे इस सिस्टमेटिक अंदाज के साथ ये तो अल्लाह सुबहान की तरफ से एक ऐसा मोजजा है अमीरुल मोमिनीन की मुकद्दस मुकदसात वरना दुश्मनी किसी की चीज की कोई कसर नहीं हैलका फिर ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूकों के जरिए भुजाएं मगर अल्लाह अपने नूर को जो है ना वो तमाम करके रहेगा अगर ये काफी नापसंद करते हैं तो मैं मिसाल फकत आपको ये देने के लिए मैंने बात की है कि इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन बच्चों के साथ जो है क्योंकि दुश्मन जो काम कर रहा है उस पर बड़े गौर और फिक्र के साथ बच्चों का जहन मासूम होता है बच्चों की अदाएँ मासूम होती हैं बच्चों का किरदार मासूम होता है बच्चे किसी से बोग नहीं रखते बच्चे किसी से दुश्मनी नहीं करते बच्चे किसी को जो है ना वो, वो अपना दुश्मन नहीं ठहराते सैद साम की उन तालीमत में नहीं है कि मुझे बच्चों की पाँच चीज़ें बहुत पसंद हैं आई लव इट के फरमत बहुत ज़्यादा मैं जो ना है ना मोहब्बत करती हूँ बच्चों की पाँच चीज़ों से क्या है वो बोग्ज नहीं करते हैं किसी से किसी से जो एनिमिटी नहीं रखते हैं किसी से दुश्मनी ना रखते ठीक है आपस में फ़र्ज के अभी बच्चे आपस में थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो जो है ना वो फिर दोनों दोस्त शमीमी दोस्त बनकर तो दो तो दो जो है ना वो बात कर रहे होते हैं हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि बच्चे तो कुकड़ा ना लड़ना बेवकूफ़ी होना है अब अगर दो बच्चे आपस में लड़ पे तो दो वालदेन जो है ना आपस में लड़ना पड़ा फरमाई ये बेवकूफ़ी है मुर्गियाँ दो जो है ना उसकी वजह से इसके घर में आ गई उसके घर में ये कर दिया वो कर दिया ये भी बेवकूफ़ी है तो बच्चे जो हैं बजात खुद वो सो प्योर वो बच्चे मासूम होते हैं पाक हुआ करते हैं उनसे जो है दुश्मनी जो की है बनी मैया ने इस हद तक जो है ना दुश्मनी बढ़ी थी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हर फील्ड में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना मैं समझता हूँ कि जो काम किया जा रहा है और उनको नेगेटिव पर्सपेक्टिव के अतबार के साथ ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि कौन बनाता है शादी बाहर का मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोई आप से जो नहीं वही बना रहे हैं कि जिनके बारे में जो है ना वो पूरा जो है ना पूरी दुनिया में जिन्होंने डिस्ट्रक्शन जो है ना वो फैलाई हुई वो क्या है माइंड सेटअप के तहत इस तरह है कि दूसरे को जो है ना वो समझ के जानते हैं हम लोग मुमकिन है कि बच्चों की साइकी नहीं जानते हों वालन मुमकिन है बच्चों की साइकिल लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से माहरीन नफसियात बैठते हैं बच्चों की आदात को जानते हैं बच्चों की खसनियात को जानते हैं बच्चों के वे ऑफ डीलिंग को जानते हैं बच्चों के उठने बैठने वो हर एक पूरे एक्सपर्ट होते हैं उसमें तो। और वो किस तरह जो है ना ट्रैक करते हैं वालदे को पता ही नहीं होता इन चीज़ों का वालदे यही समझते हैं कि हाँ जी बच्चे हमारे कार्टून देख रहे हैं आर कैफ दूसरा यह है कि बच्चों के साथ जो है ये क्या है कि सच बोलें एक तो यह है कि वाद खिलाफ ही ना करें दूसरा यह है कि बच्चों के साथ जो है ना वो हमेशा सच बोलें बच्चों के साथ जो है ना वो झूठ बोलना उनके साथ जो है ना वो 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 जो है ना वो ठीक नहीं सिद्ध को सदाकत वैसे भी अच्छी सफात बात में से इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ताक़द की गई झूठ जो खिलाफ फितरत है इंसान की फितरत के खिलाफ है कि झूठ बोलना इंसान का कांबिया की जो अजीम मिशन है उसमें से एक यह है कि लोगों की फितरत को जाना वो बेदार किया जाए बेदार करें लोगों की फितरत को और उन्हें सच्चाई की तरफ जो है ना वो दावत सच्चाई की तरफ झूठ का जो है ना वो ग्रेटर सिन जो है ना उसके साथ है गुनाहान कबीरा में से जो है ना एक गुनाहान कबीरा में से एक क्या है वो झूठ है जिससे जो है ना वो ईमान बर्बाद हो जाता है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलसलम सलाम फरमाते हैं के दबा हुआ खराबुल ईमान के से क्या होता है झूठ लाइंग इंसान जो है ना वो झूठ बोलता है जो वो अपने ईमान को बर्बाद कर रहा होता है और फरमाते है, हैं इमाम हसन नस्करी अल तो सर फरमाते हैं कि अगर सारे खबा इसको खबा इफी बीतेन व जो एलमता अलके अगर सारे के सारे खबा इसको क्या है एक घर में जमा कर दिया जाए तो उसकी चाबी क्या है झूठ से खुला करती है अमुल झूठ एक झूठ जब बोलता है इंसान उसके बाद कई झूठ जो है ना वो मजीद उसको बोलने पड़ते हैं उसको कवर करने के लिए फिर एक और झूठ बोलना पड़ता है एक झूठ के लिए इंसान को दर्जनों झूठ का सहारा लेना पड़ता है आपने अगर यूसुफ के भाइयों ने देखा ना एक झूठ बोला उसके ऊपर कितने उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने क्या से क्या जो है ना वो बातें बनाई और सारी वो भी सारी झूठ थी जब बुनियाद झूठ होगी तो उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग बनती जाएगी सारी की सारी जो है ना वो झूठ ही होगी वालद के उन फरज़ में से एक चीज़ जो शामिल है जिस तरह वादा वफाई शामिल है इसी तरह यह है कि बच्चों के साथ जो है ना वो सच बोले। घर का ऐसा माहौल हो कि को सदाकत वालों को झूठ की जो है ना वो कोई बात नहीं हो और तरीगर से तरब उमूर में इट्स दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल तरीन जो है ना मरहल में से एक ही है लेकिन करना पड़ेगा ये करें उसके बाद जो है ना और झूठ जो बोलते हैं उसकी वजूहत हुआ करती वैसे कोई नहीं झूठ बोलता है झूठ की वजह जो है ना वो ये होती है पस्ती नफ्स की जिल्लत कमजोरी एहसास कम कमतरी कॉम्प्लेक्सी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स का जो शिकार हुआ करता है एहसास कम कमतरी का जो शिकार होता है झूठ बोलता है जो की परवर होता है ग्रेज जिसके अंदर होती है रिवेंज के जिसके अंदर जो है ना वो जज्बा हो वो वो भी जो है ना झूठ बोलता है यह खराबियां हैं अखलाकी और जितनी इंसान में अखलाकियां बीमारियां ज्यादा होती हैं इतने ही वो ज्यादा झूठ बोला करता है ये, है ये चीज़ जो है ना ये ला वो इल्ला व महानत नफ्स ही झूठ उस वक्त कोई नहीं बोलता जब तक उसकी नफ्स की जो जिल्लत है वो जब तक ज़ाहिर नहीं होती नफ्स की जिल्लत की वजह से ज़िल्लत की वजह से नफ्स की पस्ती की वजह से इंसान क्या झूठ बोलता है जी? और ये नहायत अफ़सोस है कि बाज़ का मशगला ही यही होता है जी और ये बहुत बड़ा जो है ना वो गुनाह है अजा तमाम जाफ़र साद सरात वसलाम पैम इस्लाम से नकल फरमाते हैं रहमतुल्लाहु मन वल अला बर्रही मेरा अल्लाह तो रैम फरमा उन वाल पर के जो अपने बच्चों को नेकी सिखाते हैं नेक बनाते हैं नेकी की मदद करते हैं काल कुल तो कई फयला बिर रही तो रावी ने कहा कि बच्चों के साथ नेकी की मदद से क्या मुराद है कैसे वो नेकी करें कैसे उनके साथ मुआवनत करें कैसे उनकी हेल्प करें यहाँ पे चार निकात जो है ना वो बताए हैं क्या आप इस तरह जो है ना मदद कर सकते बसात से ज्यादा उनसे काम ना ले नंबर एक जो काम बच्चे की ताकत से बाहर है उससे दरगुजर करें फोर गिव हिम फॉर गेट हिम जैन क्या है फॉरगिव करें और फॉरगेट तीसरी चीज यह है कि उनको गुनाह और इसियान की तरफ न लेकर जाएं। चौथी चीज यह है कि उसके साथ झूठ ना बोले चार चीजें जो है ना वो ये अगर चार चीजें आप करते हैं तो उसका मतलब ये, नहीं ये है कि आप अपने बच्चे के साथ नेकी की तालीम और नेकी की तलकीन में हिस्सेदार बन रहे हैं ये मतलब है झूठ जो है ना वात खुद उसकी बोलने की इंसान जो झूठ बोलता है वाई इज लाइंग क्यों ये झूठ बोल रहा है तो उसका पिन पॉइंट करना चाहिए कि वजह क्या है उसकी वजह जो है ना वो तलाश करने की जरूरत है माहरीन नफ्सियात जे आप उसमें जो है ना वो क्या है साइकी जो जानते हैं उसकी जो है ना वो चले जाते कि वजह क्या है वजह क्या है क्यों झूठ बोल रहे हैं झूठ बोलने का एक सबब यह है कि सख्ती करते हैं जब बच्चों पर आप सख्ती करेंगे दें, उनको जो है ना वो हार्डशिप में मुबतला करेंगे उनके साथ जो है ना बेजात तो आप वाबस्त रखेंगे तो वो क्या है वो झूठ बोलेंगे जितनी ज़्यादा सख्ती होगी बच्चे पर इतना ही ज़्यादा वो झूठ बोलेगा यह बात जो है ना वो तवज्जो करने की ज़रूरत गो तो 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 कर है इस्लाम जो है ना वो इस्लाम क्या है एतदाल का मज़हब है एतदाल इस्लाम ने हमें सिखाया है जी ना इस्लाम में अफरात है ना इस्लाम में जो है ना वो तफरी है इस्लाम इसे बैलेंस रिलीजन बैलेंस का हमें जो है ना वो ज़िंदगी सिखाता है तोजुन तवाजुन वाला जो है ना ये दीन है हमें तोन जो है ना वो सिखाता है अगर बच्चे हद से ज्यादा जो है ना वो काम लेंगे नहीं, वो जो है ना वो मुतनफिर हो जाएगा उसमें जो है ना वो उस तनाफुर जो है ना उसमें आ जाएगा एक चीज दूसरी वजह जो बच्चे झूठ बोलते हैं उसकी वजह यह है कि वो एहसास से कमतरी का शिकार होता है कॉम्प्लेक्स का जो है ना वो शिकार हो जाता है इस कंप्लेक्स की वजह से वो बाजू का जो है ना वो चूंकि एहसास कमतरी है उस एहसास कमतरी की वजह से वो फिर झूठ बोलता है और एहसास कमतरी का पता है हर हर बांध पर जो है ना जा रही है जनाब एहसास कमतरी है तो उसमें जो है ना उसकी शख्सियत खत्म हो जाती है उसकी पर्सनैलिटी जो है ना उसे जो है ना वो डंडों के जरिए सबक सिखाया जा रहा है जनाब से कम तरी आ जाते तो वालदे नहीं पढ़ा उसको थप्पड़ लगा रहे हैं जनाब दिस। क्या है उसकी शख्सियत खत्म हो जाती है उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका स्टेटस है उसकी एक होती है वो समझता है कि हम नथिंग कुछ नहीं है मैं तो वैसे ही फजूर हूं इसमें हकीर अपने आप को जो है ना वो शुमार करता है उसकी इज़्ज़त उसका एहतराम चूँकि जब शख्सियत आप एक बच्ची के कायल नहीं होंगे उसकी पर्सनैलिटी कायल नहीं होंगे उसकी इज़्ज़त और एहतराम नहीं करेंगे उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे और उसका मजाक उड़ाते रहेंगे तो क्या है कि वो क्या हो हो जाएगा या बेजा किस्म की जो है ना वो सरजनिश जो है उसकी की जाए खामखा की जो है उसकी उसकी मलामत की जा रही है खामखा की उसकी तोहिन जो है ना वो की जा रही है इसकी वजह से क्या होता है वो कंप्लेक्स का शिकार हो जाता है ऐसा से कमतरी के का शिकार हो जाता है ये ऐसा से कमतरी क्या करता है ये ऐसा से कमतरी उसको दूसरों के साथ जो है ना फिर वो नफ़रत सिखाता है दूसरों का नुकसान हमेशा जो है ना डैमेज दे ये चीज़ें डैमेज करती हैं उसकी पर्सनैलिटी को जब वो डैमेज करती हैं तो फिर क्या उसे जब टाइम मिलता है तो फिर वो दूसरों को आज़ार भी पहुँचाते हैं दूसरों को नुकसान भी पहुँचाता है कुछ भी ना मिले तो वो अगर घर में मुसल रवान हैं कुछ मुर्गियाँ हैं मुर्गियों के बच्चे हैं उन्हीं को नुकसान जो है ना पहुँचाना शुरू कर देते हैं उसकी वजह यह है कि वालदान ने या उस दोनों में से चूँकि दोनों तरबियत गाह हैं दोनों की उस तरबियत ना होने की वजह से या उनको न समझने की वजह से बच्चे क्या जो है ना वो कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं और बच्चे एहसास कम तरीकी की वजह से नुकसान पहुंचाते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो वो आदतेंगे हम एक फाजिल पुरुषा सा हैं बस ठीक है जनाब वो हमारी कोई हैसियत नहीं ठीक है माश्रा में इस वजह से लिहाजा आप सबसे ज़्यादा जो है ना वो यानी आप इससे पहले जो है ना वो देख रहे हैं कि हमने एक गुफ्तगु में कहा है कि उनकी जितनी भी रिस्पेक्ट करेंगे इतना ही उनको जो है ना समझेंगे कि हम जो है ना वो एक हैसियत है हमारी हमारा एक शरफ़ है हम पिछले दिनों एक दावत कोरोना से पहले जो है ना एक दावत पे थे हमने निकाह पढ़ना था हमारी उसी मेज़ पे एक बच्चा बैठा हुआ था अब मैं देख रहा हूँ एक आदमी जना वो मेज से जो है ना सारे फारग हो गए और एक आदमी आया उसको उठाने की कोशिश की मुझे इस चीज़ बारे में बहुत महसूस किया मैंने कहा बच्चे को उठाना एक तो ही नहीं बच्चे को उठाना आप लेट आए हैं ना तो आप खड़े हो जाएं बच्चे ने क्या कसूर किया है यानी ये चीज़ें वो बाहर के अब हमारे साथ ही जो थे उन्होंने आगे नहीं बच्चा नहीं उठाएगा बच्चे क्यों बच्चा ठीक है वो पाँच साल का है दस साल का है अपनी इज्जत है बच्चे की इसका मतलब ये थोड़ा है कि ठीक है वो आदाब हम लोग सिखाते हैं लेकिन तरीक़ेकार होता है उसका हाँ जी तुम उठ जाओ तो ये ये एक गल नहीं है नहीं एक वो तरीका भी नहीं आप लेट आए हैं ना तो आप अभी रहें ठीक है कोई बात नहीं आपके लिए खाली हो जाएगा किसी बड़े को उठाएं ना बच्चे को क्यों उठाते बच्चे को नहीं उठाए बच्चे को जब आप उठाएंगे ऐसी सूरत हाल मैम एक एक महफिल की बात कर रहा हूं यह तो एक्सपीरियंस की बात मैं आप खुद बता रहा हूं कि उसमें जब आप ऐसी महफिल में कि जहां पे सारे लोग जो है ना बच्चे दूसरों के बच्चे बैठे और इस बच्चे को अगर आप उठाएंगे तो यह अपनी तो ही समझता है इसको और यह जुल्म है ये कत कतन नहीं होना चाहिए किसी जगह भी नहीं होना चाहिए बड़ों को चाहिए कि बड़े खुद एहतराम करें वो खुद में बच्चे में यह आ जाएगा कि नहीं मुझे खुद जो है ना उठना चाहिए इनको मुझे जगह देनी चाहिए एक अलग चीज है लेकिन आप किसी को बच्चे को कहेंगे नहीं हां जी तुम उठो ना जनाब तक मैंने जगह दो मैंने क्यों तो बहुत गलत बात है ये नहीं होना चाहिए तो बाहर के मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुछ जो कंप्लेक्स हैं या जिसको कहा जाए कि एहसास है कम तरी है उसकी वजह यह होती है कि वे ऑफ डीलिंग उस्ताद का वे ऑफ डीलिंग या वाले का जो वे ऑफ डीलिंग है जिसकी वजह से उनको प्यार ना दिया जाए उनको मोहब्बत न दी जाए उनकी शख्सियत का ख्याल उनकी इज्ज़त और एहतरा न किया जाए उन्हें बात बात के ऊपर जो है ना वो डांट डपट और मार जब पड़ती है तो बच्चे ढीठ हो जाते हैं और बच्चे जो है ना वो उसमें वो एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं फिर बड़ी बड़ी महफिल नफकत जो है ना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनकी सूरत हाल ये हो जाती है कि वो किसी महफिल में जाना पसंद नहीं करते हैं शर्माते, ही रहते हैं, शर्माते रहते हैं शर्माते रहते शर्माते रहते बोलते नहीं हैं किसी से गुफ्तु करना किसी से पसंद नहीं करते हैं जी अगर हम उसके साथ बोलें यह सौ नो में जो है ना जान छोड़ाने की जो है ना कोशिश करते हैं उसकी वजह यह है उसकी वजह यह है कि उनको बालो पार नहीं दिए गए जी उसकी वजह यह तो बाहर कैफ मैं ये अर्ज करूं कि बच्चों के साथ जो है वो दूसरा ये है कि बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं उसकी एक वजह यह है कि बच्चों को सज़ा का जब खौफ होता है मसलन अगर किसी बच्चे को ये एहसास हो कि मैंने अगर सच बोल दिया और ये हो गया तो मुझे जो है ना मेरी पिटाई हो जाएगी जी मुझे जो है जा मारा जाएगा मुझे सजा दी जाएगी मुझे पिटू लगाई जाएगी जी तो वो बच्चे फिर और झूठ बोलते हैं कहते हैं ठीक है ठीक झूठ बोलते फिर ऐसा क्या मैं आपको मिसाल देता हूँ मिसाल देता हूं। एक बच्चे जो है ना आपस में खेल रहे हैं और बच्चे ने एक छोटे बच्चे ने किक लगाई है इस फुटबॉल को और वो दूसरे के विंडो पे आकर लगा और वो टूट गया विंडो आप अगर बच्चे को ये हो कि उस विंडो जो टूटा है मेरी इसमें शामत आ गई है मुझे सजा दी जाएगी उस मुझे थप्पड़ मारे जाएंगे उससे आप पूछेंगे आपने थोड़ा हुआ नहीं वो दूसरे के नाम लेगा नहीं मैंने कहा वो कहेंगे वो कहेंगे नहीं <laughs> इस तरह जो है ना वो वजह यह है कि जितनी सजा का खौफ होता है बच्चे को अगर बच्चे को ये यकीन हो जाए कि मैं सच बोलूँगा और मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा मुझे ये कहा जाए कि, कि आपने गलत किया है इसके बाद जो है ना आपने ये नहीं करना है इस सहाद तक अगर बच्चा समझ बच्चा कहेगा नहीं मुझसे मिस्टेक हुई है मैंने लगाई ये केक उसके बाद जो है ना वो टूट गया है अमरी इज सॉरी मैं अपोलॉजाइज करता हूँ खत्म पाँच जाना फिनिश हो जाएगी उसका जो है ना वो अगर डंडों के जरिए मरम्मत की जाए उसके थप्पड़ मारे जाए उसको जो है ना मारा जाए उसकी सरजनिश की जाए उसको सजा दी जाए तो बच्चे डेफिनेटली वो झूठ बोलेगा कौन चाहता है कि वो खुद जो है उसको उसको सजा दी जाए और उसको मारा जाए कोई भी नहीं चाहता है तो बच्चे कैसे चाहेगा कि मुझे जो है ना वो सजा दी जाए मैं इस, इस, इस सच बोलने से अगर उसको सजा मिल रही है और उसको मारा जा रहा है तो बच्चा सच बोलेगा नहीं, वो नहीं बोलेगा इसके बाद जो है ना तो आप आपको नहीं होना चाहिए लिहाजा ये जो विंडो तोड़ा है हम इसकी जो है ना वो रिप्लेसमेंट करेंगे हम इसको करेंगे जान तो वो छोड़ा है करके जिसको जो है ना सजा का खौफ होता है यह वजह जो है ना उसकी होती है तो एक चीज जो है जो एहसास कम तरी का जो सिलसिला है तो वही आता है फिर बच्चों के साथ एक और चीज जिस तरह वादा वफाई जरूरी है बच्चों के साथ जिस तरह बच्चों के साथ सच बोलना जरूरी है झूठ ना बोले बच्चों के साथ और बच्चों के साथ हमेशा जो है ना वो सदाकत के साथ पेश आए इसी तरह ये है कि बच्चों के साथ मुसावत के साथ पेश आए अगर आप मसावत बच्चे बच्चों के साथ मसावत नहीं करेंगे तो बच्चों में बोग से पैदा होगा बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना वो दुश्मनी करेंगे एक्शंस पे अमर इस्लाम सल्ला वसलम की खिदमत है उसके दोनों बच्चे हैं एक को वो भोजा देता है और एक को जो है ना वो चुप करके हुज़ू नफर में ये क्या किया जी? ये गलत तरीका है ये गलत है इस तरह नहीं होना चाहिए कमा तो तरह तुम को चाहते हो कि मुझसे जो है ना वो अदालत के साथ पेश आया जाए इसी तरह बच्चों के साथ भी अदालत करो कितना गलत तरीका है क्या मेरे सामने बैठे हुए लोग बैठे हुए और तुम एक को भोसा दे रहे हो और एक को जो है ना वो तुम इग्नोर कर रहे हो ये भी जो है ना ये जो तहकर होती है दूसरे की दूसरे को जो है ना वो आ, कुछ नहीं समझना होता है या दूसरे को ये इससे जो है ना जालसी पैदा होती है हसद पैदा होता है बोखल पैदा होता है दुश्मनी पैदा होती है इंतकाम का जो सिलसिला है वो पैदा होता है जी इस वजह से फरमाया बहुत ज़्यादा जो है ना अहदीस है बच्चों को खुश करना बच्चों से मोहब्बत करना मैं अगर कोई अपनी बच्ची को खुश करता है तो उसने औलाद इस्माइल में से गोया एक आदमी को आज़ाद कर दिया आपने एक दफा बच्ची को खुश कर दिया ना माशाला वेल well डन तुमने कितना अच्छा जो है ना काम किया उसके सर के ऊपर हाथ रखा उसके साथ जो है जी वो ठीक है वो नफसियाती लिहाज के साथ वो एक और चीज़ में आपको बताऊँ हम भी मुसवाते हैं यानी आप जब गिफ्ट लेकर जाएं सबसे पहले बच्ची को दें इस वजह से बच्चियों को दिल नाजुक होता है बच्चियों ज़्यादा जो है ना उसमें उस उम्मीद के साथ होती हैं कि अब बाबा आया है बाप आया है डैडी आया है बाप आए हैं कुछ चीज़ें लेके इस वजह से वो एक अलग है वो साइकी है बच्चा इतना वो परेशान नहीं होता है बच्चे चीज़ देनी है पहले बच्ची को फिर बच्चे को वो साइकी के एतबार के साथ है बच्चियाँ जो है ना उनका दिल ज़्यादा नाजुक होता है उस नज़ाकत को देखते हुए इस्लाम ने जो है ना वो कह हमारे अभी बच्चे बाहर को बाहर के जब आपस में लड़ते थे तो मैं चूँकि साथ बच्चियों को देता था तो एक दफ़ा हमारे जो बच्चा आजकल कुंभ में है तो एक दफ़ा मुझे अलग से कहा कि बाबा गलती भी उनकी होती है फिर भी आप उनका साथ देते हैं मोहम्मद रजा ने तो मेरे पास जवाब नहीं था मैंने हकीकत में आपको बताऊं यानी जब मुझे कहा काफ़ी तकरीबन पंद्रह बीस साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ तो जब हम आपस में जो है ना वो ज़ाहिर बच्चे जो है ना आपस में करते हैं तो आप हमेशा जो है ना वो साइड बच्चियों की लेते हैं मैंने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊँ तुम्हें क्या बताओ ये चीज़ बच्चियों के सिलसिला जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तो अटैचमेंट उनकी बाल के साथ ज्यादा होती है दूसरी बात यह है कि जो नज़ाकत होती है बच्चे फिर भी जो है ना वो महसूस नहीं करते वो एक अलग ही चीज उसके साइकलॉजिकली जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू से फरमाए बाहर से चीज़ लेके जाए बच्ची को पहले दें ठीक है जनाब बच्चे लेकिन ये है कि इग्नोर करना दूसरे को बच्चों को वो जो इस्लाम ने जायज़ करार नहीं दी इस्लाम ने कहा नहीं और आप जो है ना वो नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे कि अदालत का जो है तकाज़ा ये है कि आप अदालत के उस तकाज़े के तहत रहें बस बात का खुलासा करूँ कि वालिदैन को क्या चीज़ चाहिए वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों की शख्सियत का अहिया करें रिवाइव रिवाइव करें बच्चों की जो शख्सियत है उसको बालों पार दें शख्सियत को और ऐसा काम ना कि जिससे बच्चों की जो है ना वो तोहिन होती है तहकीर होती है एहानत जो है एहानत आप कहते हैं से, से, बच्चे की जो शख्सियत है वो शख्सियत जो है ना वो तबाह हो जाती है शख्सियत जो है तबाह हो जाती है बर्बाद हो जाती है और वो, वो डैमेज हो जाता है किसम का जो है फिर यह है कि उनमें बच्चों को आपने देखा है कि बात जो है ना वो वैसे ही जो है ना वो शर्माते रहते हैं वैसे ही शर्माते रहते हैं शर्मि से शर्मिंदगी से जो है ना उसमें उसकी शर्मिंदगी की सबसे बड़ी वजह जो है ना सबसे बड़ी वजह जो है ना ऐसा वही है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आ गया है उसके अंदर जो एहसास है कमतरी आ गई उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा आप बच्चों को देखते हैं मसलन हम लोग भी को ठीक है ज़ाहिर है हम लोग उस्ताद हैं हमें पता है कि बच्चों के साथ किस तरह जो है ना वो डीलिंग करनी है जो बाज़ आपने बच्चों को देखा कि माशाल्लाह रेयर वेरी वेल वैर एजुकेटेड सब चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत जहही हैं बहुत फतिन हैं अच्छा उनको अगर जो है ना वो, वो रिटर्न जो है ना वो एग्ज़ाम एक, दिया जाए तो ना है वो बहुत जो है ना वो उसमें जो है ना अच्छे उनके जो है ना मार्क्स होते हैं अच्छे उसके अच्छा जो ही औरल एग्जाम आता है एग्जामिनेशन होता होता है होता है और नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट नंबर दे रहे हैं अब धड़म फेल की उस उस मंजिल पर क्या वजह है उसकी उसकी एक वजह यह है मैं आपको बताऊं चूंकि उनको जो कॉन्फिडेंस है उनका जो आ, जिसको कहें कि ट्रस्ट है अपने ऊपर या जो ख़ुद एतमादी जिसको हमारी हमारी अपनी जो जुबान में कहते हैं ख़ुद एतमादी जो जिसको कहा जाए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहा जाए ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसके फुकदान की वजह से होता है अब माशा बेहतरीन है बहुत जहीन है बहुत फतीन है जी सारी रात जो है ना वो इम्तिहान के लिए तैयारी करेंगे दूसरे ठप जी सब चीज़ें जो है ना ख़त्म उसकी क्या वजह है उसका जवाब जो है ना सिर्फ एक है सिर्फ एक है कि उनको डैमेज किया गया है कॉन्फिडेंस उसका छीन लिया गया है बात बात पे उनको डांटा गया है बात बात के ऊपर उनको मारा गया है जिसकी वजह से हैं बहुत बच्चे की शख्सियत को उभारना ये एक फन है इसके लिए तरबियत चाहिए ऐसे नहीं होता है कि ये जो है ना वो हाँ हा, इंसान बात बात ठीक है बाजू का बच्चे को जाए कहना पड़ता है कि नहीं आपने इस तरह नहीं करना है बच्चे कहकर क्यों उनको बताना चाहिए इस वजह से वो फिर कहेगा क्यों उसका फिर एक और जवाब देने इसमें वो फिर कहेगा कर, क्यों उसका का डंडे नहीं होते हैं तरीके का थप्पड़ नहीं होते हैं स्लैप करना नहीं होता है साइकी को समझना एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक फन है दैट इज़ जस्ट लाइक ए आर्ट ये आर्ट की तरह है ये एक फ़न है जिसको जो है ना समझने के बच्चों के साथ मिलो उसको इस वजह से बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कब शर्मीले होते हैं बात नहीं करते हैं किसी गुफ्तु -गु नहीं करते हैं अलग से बैठे हुए हैं बिल्कुल जो है न वो न किसी दोस्त के साथ मिलना न किसी रफ़ी के साथ न किसी रिश्तेदार के साथ ही मन दो फ़ोन आ गया फ़ोन पर बात नहीं करते उसकी वजह से उसकी वजह क्या बेजा जो है ना शर्मिंदगी ये इस बात को होती है कि वो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है ना वो चाहिए बच्चों को जो है ना वो एक अतमाद की जो फ़जा है जो रिलायंस की जो है ना फ़िज़ा है उसके अंदर उसकी ज़मीर के अंदर जो है नो डालने की जरूरत हाँ यू ए बिग मैन आप जो है ना उसको उसकी शख्सियत देंगे तुम जो माशा तुम्हारा तो तुम क्या कहना तुमने माशाला वेल well डन आप एक दफ़ा वेल डन करेंगे एक दफ़ा शाबाश देंगे एक दफ़ा छोटा सा प्रेजेंट लेके दे देंगे एक दफ़ा जो उसके बाद देखें उसके अंदर जाना इन बच्चों के लिए भी ये जो शर्मसारी की वजह से जो है ना आप देखते हैं मतलब मैं बाज़ इमाम बरगा जाता हूँ बाज आते हैं बच्चे अच्छे तरीके से वेलकम आके पूछा ये किया बाज, बाज, बाज बच्चे शर्माते रहते हैं बाज़ बच्चे जो उसको भी जो है ना यही है उनको शाबाश दें उनको अच्छा प्रेजेंट जो है ना वो लेके दें उनको बताएँ उनकी शख्सियत से जो ताशूर तो में जो चीज़ें आके बैठी हुई हैं एक अच्छा माहर नफसियात उन सारी चीज़ों को निकाल सकता है उसका अच्छे माहर नफसियात बने उस्ताद को भी चाहिए अच्छा माहिर नफसियात हो वालदान को भी चाहिए कि वो अच्छे जो है ना वो माहर नफ्सियात हों और उसमें मैं आखिरी बात कह के जो है न वो तमाम करूँ उसमें यह है कि ये जो एहसास कम तरी है उसकी वजूहत में शिरकर जो है ना बता दें एक ये है बुरी तरबियत नंबर दो उसकी अपनी ज़ाती कमज़ोरी की वजह से भी जो है ना वो होता है बच्चे की तीसरा माहौल की खराबी की वजह से जो है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी बच्चे के ऊपर जो है ना वो असर करते हैं चौथी इंसान की जो फकीरी है बाजू का जो है ना खर का माहौल बाजूक इसी वजह से मैं कहता हूँ आप इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन जो है ना वो चाहिए इस वजह से कि वो बच्चे वो वालदन मैं उनको कहूँगा इस वक्त से हमारी मैं अगर कुछ चीज़ें खोलूँ आपके लिए तो वो मुमकिन है आपको जो है ना वो चीज़ें अच्छी ना लगें जी ख्याल ख़ातिर अहबाब चाहिए हरदम अनीस ठेस ना लग जाए आपकी जिनों को एक चीज़ जो हमारी ख़राबी का यहाँ पे, एक चीज़ जो बनी है वो यही बनी है बाज ने उसको सोशल सिक्योरिटी को एक किस्म का एज ए बिजनेस जो है वो बना लिया है जिसकी वजह से चुप कर घर बैठे हूँ पैसे मिल रहे हैं खा पी रहे हैं हर चीज़ में छुपा रहे हैं ना उनके पास घर है ना उनके पास मकान है ना उनके पास गाड़ी है ना उनके पास बैंक बैलेंस है ना उनके पास कुछ नहीं है उसके असर बच्चों के ऊपर भी पड़ते हैं ये बात हमेशा याद रखें इज्जत के साथ जो है ना वो जीना सीखे इज्जत के साथ जो है ना उससे आपके पास कुछ भी नहीं होगा इज़्ज़त के साथ रहेंगे बच्चे आपके जो है ना वो सर बुलंद रहेंगे और उससे जो है ना ये अगर आप हर दफ़ा शो करते रहेंगे कि हम फ़कीर हैं जी हम फ़कीर हैं जी हमें पास कुछ नहीं है जी हमारे पास ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है उसके असर आप जो है ना वो बच्चों के ऊपर भी जो है ना वो पड़ते हैं इसी वजह इस से हमने इससे पहले भी गालिबा एक दो तकरीरों में कह चुका हूँ कि कभी भी अपने फ़क्र का अपनी पावर्टी का अपने इकतदी बहरान का अपने बच्चों के साथ आप जिक्र ना करें जब आप अपने बच्चों के साथ इसका तजकरा करते हैं इस पावर्टी का इस गुरबत का चूंकि बच्चे अल्लाह के बाद आपको अपना राज़िक समझते हैं तो वालिदैन वालिद की मैं बात कर रहा हूँ वालिद चूंकि एक सुतून होता है घर का वालिद की अगर थोड़ी उस सुतून जब उसकी कमजोरी सामने आती है तो उसका मतलब इन्हें सारा घर जो है ना वो हिलना शुरू होता है शेक करना शुरू कर इस वजह से वालिद को बिलखसूस सख्त से सख्त हालात आ जाए सख्त से सख्त हालात आ जाए कोशिश करें कि बीवी से भी जो है ना अपने उस फिर के इजहार न करें बच्चों से तो बिल्कुल ना करें इनशा बच्चों को अगर पता भी चल जाए हमारे हालात का फर्ज किया तो बच्चों ने इनशा लजी कुछ नहीं है माशा आप लोग जवान है मुझके तुम्हारे होती है मुझे क्या जरूरत है यह कुछ नहीं होगा सब इस तरह जब आप एक दो दफा कहेंगे बच्चों के जहन में जो उनमें जुरात पैदा होगी हिम्मत पैदा होगी शौक और जज्बा पैदा होगा आप सोच नहीं सकते लेकिन अगर गए हाँ जी वो हालात बड़े ख़राब हो पाए जनाब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो बढ़ना ये हो जा तो इससे क्या होता है बच्चे परेशान हो जाते परेशान हो जाते इससे क्या होता है कि वो ऐसा कमतरी के शिकार अच्छा फलां के गर्ज इस तरह फिर वो सोचने शुरू कर कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ इस वजह से एक फिर मैं अर्ज करूँ आपकी ख़िदमत में सबसे ज्यादा चूंकि फ़कर्र फाका है ही बड़ी सख्त चीज़ है बहुत सख्त है यानी इसके अंदर रवायात हैं कि इसके बारे में अगर आपको कहा जाए बहुत ही सख्त मसला जो है ना बहुत सख्त मसला है फ़क्र फाका इसी वजह से जो है ना फरमाए कह अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए इस फक्र से और फिर फकीरी से फिर इसके बाद जो एक आती है चीज खानदान की बदनामी की वजह से भी जो है ना इंसान ऐसा से उसमें कामतरी में जो है शुमार फिर इसके किसी खानदान में एक जो है ना वो बुराई पेश आ गई है अब लोग क्या ताना देते हैं ओ ए वो दई ना अच्छा इसकी वजह से हालांकि इस्लाम ने इसको सख्ती के साथ इसकी मजम्मत की है कि दूसरे का गुनाह जो है ना इसकी तरफ नहीं जोड़ना चाहिए वह है उसका जाती करतूत है उसके एक दूसरे फर्द के साथ जो है उस खानदान के साथ जो है ना क्या है लेकिन हमारे यहाँ जो है ना ये सिलसिला हमारे यहाँ का पैम्बर इस्लाम के दौर में भी जो है ने ये होता था और वजूद सख्ती के साथ उनको मना करते थे आपने नहीं देखा कि खुद किस खानदान का है और किस शर की हालत में रहा है लेकिन उसके बच्चों ने आकर जहाद किया इस्लाम के लिए कुरबानियाँ दी शहीद हुए इस तरह तो दूसरे के गुनाह थोड़े जो है ना उसमें जो है ना शामिल किया जा सकता है इस वजह से इस्लाम ने सख्ती के साथ मना किया है लेकिन बाज़ात ये है कि उसको ताने देते हैं उस तानों की वजह से वो ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाता है बच्चा जी और ये जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है कि दूसरे के गुनाह को इसके आ जाना शामिल कर लेना और ये जुर्म भी है और ये कभी जो है ना वो नहीं होना चाहिए टाइम मेरा जो है ना तमाम हो गया है और अल्लाह सुबहान की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हमारे इन लम्हात को अपनी इबादत में शुमार फरमाए और हमारे गुनाहों से आपदर गुजर फरमाए हमें अपने नेक मुखलसीन इबादत गुजार बंदों में शुमार फरमाएँ परवरित हमारे गुनाहों को ना देख अपने लुफ़ और एहसान के सदके में हमारे जुमला गुनहान सगीर और कबीरा को माफ़ फरमा हमें अपने मुखलसिन बंदों में शुार फरमा हमारे जितने ममनी मोमिनत मरीज परमदार बीमार करबला के सदके मन सेमती अदा फरमा हम सब के मरहुमीन की मफ़रत फरमा और बेखसूस डॉक्टर सैद तज़मल हुसैन की बड़ी बहन जो है ना उनका इंतकाल हो गया मुझे भी फ़ोन किया ला सुबह त उन्हें जवारे रहमा जवारे इसमें जवारे सईद असलम ने हमें जगाया यह फरमाया परवर्तिका और आलम इस्लाम को सर बुलंद फरमा आलम इताबूद को नाबूद फरमा इमाम जमान कुत्बिया आलम इम्मकान के जहूर पर नूर में ताज़ील फरमा اللهم عجل فليك الفرج اللهم صلّى الله وحموه